नमस्कार। मैंने पहले भी राज्य में कोरोना की स्थिति के बारे में बताया था और कोरोना संक्रमण में वृद्धि की जानकारी दी थी। इसे देखते हुए कोरोना जांच को और बढ़ाते हुए अब 1,25,000 से अधिक जांच प्रतिदिन किया जा रहा है। अब कोरोना मरीज की संख्या में प्रतिदिन कमी आ रही है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 5 मई से 15 मई 2021 तक बिहार में लॉकडाउन लगाया गया। 23 मई को सहयोगी मंत्रीगण एवं पदाधिकारियों के साथ बिहार में लागू लॉकडाउन की स्थिति की समीक्षा की गई। लॉकडाउन के सकारात्मक प्रभाव को देखते हुए अगले 10 दिनों अर्थात 16 से 25 मई 2021 तक लॉकडाउन को विस्तारित करने का निर्णय लिया गया। जब से लॉकडाउन लागू किया गया है, हम लोग सभी का ध्यान रख रहे हैं, किसी की उपेक्षा नहीं की गई है और पूरी कोशिश है कि हर जरूरतमंद तक सहायता पहुंचे। इसके लिए कार्यरत पूरी टीम पूरी लगन एवं परिश्रम के साथ लगी हुई है। दिनांक 17 मई को 22 जिलों के सामुदायिक किचन का वर्चुअल टूर के माध्यम से वहां चलाई जा रही व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया और कई लाभार्थियों से बातचीत की गई। जिलों के कई लाभार्थियों ने कहा कि सामुदायिक किचन के माध्यम से अच्छा खाना मिल रहा और कई लोगों ने यह भी कहा कि हम लोग खाना अपने बच्चों तथा बुजुर्गों के लिए घर पर भी ले जाते हैं। लाभार्थियों ने सीधे संवाद के दौरान बताया कि सरकार ने इस परिस्थिति में जो कदम उठाए हैं वह सराहनीय है। राज्य के सभी 38 जिलों में 432 सामुदायिक किचन चलाए जा रहे हैं। हमने सामुदायिक किचन को विस्तारित करते हुए हर प्रखंड में सामुदायिक किचन खोलने का निर्देश दिया है ताकि अधिक से अधिक जरूरतमंद इसका लाभ उठा सके। सरकार की मंशा है कि लॉकडाउन में मजदूर निर्धन निराश्रित निःशक्त एवं जरूरतमंदों को दोनों वक्त शुद्ध भोजन मिले एवं कोई भूखा न रहे। सभी सरकारी अस्पतालों में रोगियों के परिजनों के लिए भी सामुदायिक किचन के माध्यम से भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। होम आइसोलेशन में रहने वाले कोविड मरीजों एवं उनके परिजनों के लिए भोजन की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया। साथ ही सामुदायिक किचन में आने वाले बच्चे बच्चियों के लिए दूध की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया। कोरोना के रोगी जो घर पर आइसोलेशन में रहकर इलाजरत हैं, उनके शरीर का तापमान एवं ऑक्सीजन स्तर नियमित तौर पर स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा लिए जाने की शुरुआत की गई। जिन मरीज का ऑक्सीजन स्तर कम होगा उनका चिकित्सीय पर्यवेक्षण में इलाज कराया जाएगा और जरूरत पड़ने पर अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा। मुझे विश्वास है कि दृढ़ इच्छा शक्ति सकारात्मक सोच के साथ बिहारवासी कोरोना के खिलाफ इस जंग में अवश्य सफल होंगे। पहले की तरह पुनः मैं अपील करता हूं कि मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बनाए रखें, हाथ साफ रखें और समय आने पर टीका अवश्य लगाएं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।